बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आज भी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज एक बहुत ही मुबारक दिन, एक बहुत बहुत मुबारक दिन, आज रहमतुल्लिल आलमीन सरवर कौनैन वजह तख्लीक कायनात खातिमुन नबीयीन सरदार दो जहां सरदार अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत पूरे अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। नाज़रीन, हम चाहे इस हवाले से जितनी भी बात कर लें, लेकिन जब तक हमारे दिलों में, जब तक हमारे किरदार में, जब तक हमारे रवैयों में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने का जज्बा नज़र नहीं आएगा, शायद जो हाल इस वक्त पाकिस्तान का, मुस्लिम उम्मा का, पूरी दुनिया में हो चुका है, इस्लाम का जो तशख्स जिस तरह से बरकरार तो नहीं रह सका, लेकिन जो हाल उसका रह चुका है मेरे ख्याल में, वो तभी बेहतर हो पाएगा अगर हम दिल से इस तमाम तालीमात पर अमल कर सकें। हमारे लिए एक मशले राह मौजूद है सीरत नबी की सूरत में, एक पूरी मशले राह मौजूद है और उसके ऊपर बड़ी आसानी से हम अमल कर सकते हैं, अमल पैरा हो सकते हैं। अब आप रियासत मदीना के दावेदारों की बात करें या अपने आमाल की बात करें, हम कहाँ पर कमज़ोर हैं, क्या चीज़ें हमें अपनानी होंगी, इस हवाले से आज कोशिश करेंगे एक छोटी सी महफिल, लेकिन इस हवाले से बात करें। और मौज़िज़ जो मेरे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साथ साथ, उनसे भी मैं इसी हवाले से आज गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहले मौलाना ज़ुबैर अब्बासी साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनको मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? जी बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो जश्न मिलाद नबी। मैं आज इस पुरमसरत मौके के ऊपर आपको एक तो वेलकम करूंगा प्रोग्राम में, साथ ही साथ सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से कुछ गुफ्तगू फरमा लेते हैं। उनकी सीरत से हमें क्या पैगाम मिलता है और बहैसियत मुसलमान वो कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो हमें लाजमी तौर पर उनकी सीरत से उनसे सुरूर हासिल करना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए और अपनी अमली जिंदगी में उसको शामिल करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने चैनल के ऊपर बात करने का मौका दिया और दुनिया भर के मुसलमानों को सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुँचाने की आपके चैनल के जरिए से एक तौफीक मिली। जनाब, इसके अंदर जो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हमें सीरत से क्या पैगाम मिलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरतुल अहज़ाब में बयान फरमाया, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जिंदगी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक मशाले राह है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के अगर मुख्तलिफ किरदार को हम उठाकर देखें तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का जो दावत का आगाज होता है वो है दावत तौहीद। पूरी दुनिया को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से क़यामत तक आने वाले आखिरी मुसलमान तक ये पैगाम था, जो दरहकीकत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त तमाम कौम कबीलों को, दोस्त रिश्तेदारों को जमा करके दिया। या अय्युहन नास, ए कायनात में बसने वाले लोगों, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद के ऊपर आ जाओ, तुफ्लिहु तुम कामयाब हो जाओगे, तमलिकुल अरब वल अजम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको अरब व अजम का मालिक बना देंगे। अब बात यह है मोहतरम के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत है वो मेरे और आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए वो एक आइडियल मॉडल, एग्जाम्पल और एक नमूना है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं और हर पहलू एक से बढ़कर एक खूबसूरत हसीन महसूस होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू मैंने शुरू में तौहीद आपके सामने अर्ज किया, इसके साथ साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो आला तरीन अखलाक हैं, वो बेहतरीन अखलाक की तालीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता की है, जिसकी कमी आज हम मुसलमानों के अंदर बहुत ज्यादा है। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम इत्तबा करें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम पैरवी करें, तो जिस तरह से आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम हो रहा है, मुसलमान हक पर होने के बावजूद पूरी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहा है, अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दी हुई तालीमात को हम अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई करें तो यकीन कीजिए कि ये इस्लाम और मुसलमान पूरी दुनिया पर गालिब हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, इस्लाम यालू वला युला अलैही, इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब होकर रहेगा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले पूरी दुनिया पर गालिब हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से आज के मुसलमान ने
قرآن اور حدیث سے دور ہو کر اپنے لیے بہت مشکلات پیدا کی. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے. آج ہمارا مسلمان امریکہ کے ایئرپورٹ پر اترتا ہے, لندن کے ایئرپورٹ پر اترتا ہے, تو جناب سب سے پہلے مسلمان اور پاکستانیوں کو سائیڈ میں کر کے ایک رکھا جاتا ہے. کیوں ہم نے شناخت اپنی الگ بنا لی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ثقافت سے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیمات سے ہم دور ہٹے, نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو, آپ کے کردار کو, آپ کی دعوت کو ہم اپنا لیں گے, آپ یقین کیجئے کہ مسلمان پوری دھرتی کے اوپر غالب ہو جائے گا. جن لوگوں نے نبی کی دعوت کو قبول کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا بدر کے میدان کے اندر 313 مسلمان تھے لیکن وہ کافروں کے اوپر غالب آ گئے. احد کے میدان کے اندر, احزاب کے میدان کے اندر, ہر جگہ پر دیکھیے اللہ کے نبی کے ماننے والوں نے نبی کی اطاعت کی اور وہ پوری دنیا پر غالب ہوئے. اگر کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک معمولی سی سنت کو بھی چھوڑا تو آپ نے دیکھا وہ جنگ کے اندر وہ جیتی ہوئی جنگ شکست کے اندر. بالکل بالکل آپ نے بجا فرمایا. میں بالکل آپ کی طرف واپس آتا ہوں مولانا صاحب. ہمیں ایک اور مذہبی اسکالر نے جوائن کیا, میں چاہ رہا ہوں کہ پینل میں ان کو بھی شامل کر لیا جائے اور پھر اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. ہمارے ساتھ علامہ طلال رضوی صاحب موجود ہیں, میں انہیں پروگرام میں شامل کروں گا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. میں بات کر رہا تھا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ان کی سیرت کے حوالے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بحیثیت مسلمان, کیا کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے اور اپنی جو زندگی ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے ذرا دیکھیے گا کہ ہم کیا کوتاہی برت رہے ہیں, کیوں یہ جو حالات ہیں مسلمانوں کی پوری دنیا میں یہ کیوں ہم اس حال میں آ چکے ہیں اور ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے. آصف صاحب, آج مسلمانوں میں ایک عید کا دن ہے, سرکار کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے. بے شک, بے شک. اور بروایتیں دو تاریخیں ہیں برادران اہل سنت کے نزدیک, جمہور مسلمین کے نزدیک 12 ربیع الاول, اور فقہ جعفریہ کے مطابق 17 ربیع الاول سرکار کے دنیا میں آنے کی تاریخ ہے. تو یہ پورا ہفتہ ہی جشن سرکار, بالکل بلکہ پورا مہینہ ہی میں تو کہوں گا بہت مبارک ہے. بے شک ایسا ہی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم سرکار کا نام تو لے رہے ہیں, ہم سرکار کو تو مان رہے ہیں لیکن سرکار کی نہیں مان رہے ہیں. بے شک. اور پھر المیہ یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی شے میری اور آپ کے اختیار میں جب تک نہیں آتی جب تک ہم اس کی قیمت کو ادا نہ کریں. بے شک, بے شک. کسی بھی شے کو ہم اگر خریدنا چاہتے ہیں یا کسی بھی چیز کو اپنی ملکیت بنانا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم اس سب سے پہلے اس کی قیمت ادا کریں. بے شک. یعنی دو گز کی زمین اگر اپنی قبر کے لیے بھی خریدنی ہو ہمیں تو اس کی بھی ہمیں قیمت دینی ہوتی ہے. ہمیں ایک رومال خریدنا ہو اس کی قیمت دینی ہوتی ہے. جائے نماز خریدنی ہو ہمیں, اس کی نماز پڑھنی ہو تو اس جائے نماز کی ہمیں قیمت دینی ہوتی ہے. بجا فرما رہے ہیں. بے شک, بے شک. نہ کہ ہم پورے کا پورا اسلام لے کر بیٹھے ہوئے اور اسلام کی قیمت ادا نہیں کرتے ہیں. قرآن مجید میں خداوند کریم واضح لفظوں میں ارشاد فرما رہا ہے, سورہ مبارک احزاب کی آیت ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قربیٰ سے مودت کرو. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے, تمام مفسرین قرآن اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ اہل بیت علیہ السلام بالخصوص جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی. جب ہم ان سے محبت نہیں کریں گے اور اپنی والہانہ عقیدت کا ان سے اظہار نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات اسلام تو ہماری ملکیت نہیں بنا نا. بالکل. اسلام تو جب ہی ہماری ملکیت بنے گا جب ہم اس کی قیمت ادا کریں گے, اور قیمت ہے اہل بیت سے مودت. تو سب سے پہلے تمام مسلمانان عالم کو چاہیے کہ وہ سرکار جس طرح سے خدا کی توحید, سرکار کی رسالت اور قرآن مجید پر متفق ہیں, اسی طرح اہل بیت کی قربت پر, ان کی مودت پر متفق ہو جائیں.
ये تمام مسائل حل ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا تمام دین ہمارے پاس آ جائے گا مولانا صاحب مولانا صاحب وقت میرے پاس بہت کم ہے میرے پاس بہت کچھ ضروری سوال بھی اس پہ ذرا کچھ ہدایت فرمائیے گا تھوڑی سی بات کیجئے گا یہ اس وقت عدل و انصاف کے حوالے سے پاکستان میں عدل و انصاف کی بات تو بہت کی جاتی ہے لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ جو معاشرہ ہے ہمارا وہ عدل و انصاف کی جو جس طرح سے مہیا ہونا چاہیے جو اس کی پاسداری ہونی چاہیے وہ ہو نہیں پا رہی لیکن ریاست مدینہ کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر تو سب سے پہلے عدل و انصاف کو فوقیت دی جاتی تھی تو ہمارے ملک میں خاص طور پر اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو عدل و انصاف کا جو صورتحال ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے ریاست مدینہ کی طرز کے اوپر کیا ہم اس وقت اس کو بنا سکتے ہیں اس طرز کے اوپر کوئی ممکن ہے یہ دیکھیے آصف صاحب بڑی اہم بات ہے کہ جہاں پر مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی تو جہاں پر انصاف نہیں ہوگا لا محالہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو عدالت کے دروازے پر فاحکموا بین الناس بالحق کی آیت لگانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک وہاں بیٹھا ہوا منصف انصاف سے کام نہیں لے رہا ہوگا چاہے وہ سیاسی مسئلے ہوں چاہے وہ سماجی مسئلے ہوں چاہے وہ معاشرتی مسائل ہوں چاہے وہ فیملی کورٹ ہو جب تک انصاف سے کام نہیں لیا جائے گا جب تک عدالتیں اثر و رسوخ سے اور لوگوں کے تعلقات سے بے نیاز نہیں ہوں گی تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے طلال رضوی صاحب بذات خود یہ چاہتے ہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو اسی طرح کوئی مسٹر ایکس وائی زیڈ ہے ان کی خواہش یہ کہ ان کے مطابق فیصلہ ہو جائے تو ہر شخص جب یہ چاہے کہ اس کی خواہش کے مطابق فیصلہ ہو تو اسلام عدل و انصاف اور دین ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے دین پر عمل کرنے کے لیے انصاف اور عدل کو قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنی خواہشات سے بالاتر ہونا پڑے گا عدل و انصاف کی طرف جانا پڑے گا اور اگر ہم عدل و انصاف کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ جو ظلم جو انارکی جو آئے دن کی برائیاں ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں یہ روز بروز بڑھتی چلی جائیں گی ان میں کمی نہیں آئے گی اس کے لیے سب سے اہم حل یہ آصف صاحب کہ قوم کا بچہ پاکستان کا ایک ایک فرد اپنی آپ پر یہ لازم کر لے کہ اسے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہے بہت میں پچھلے 15-20 سال سے اپنی تقریروں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں سب پر لازم ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا کیوں بہت خوبصورت اس لیے کیونکہ حضرت علی کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں بالکل تو ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں ہم اللہ کو اپنی تو سنا رہے ہیں لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہم وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے بالکل میں بالکل آپ کی طرف واپس آتا ہوں جب ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھیں گے جی علامہ صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں مجھے بالکل جی زبیر صاحب سے کچھ سوال کرنے سر اگر آپ مجھے سن رہے ہیں مولانا زبیر صاحب جی میں سن رہا ہوں جی مولانا صاحب یہ ذرا بات کیجئے گا ریاست مدینہ کی طرز پر اگر ہم قوم کی کردار سازی کرنا چاہیں تو کچھ چیدہ ایسے نکات بتائیے گا کچھ ایسی ہدایات دیجئے گا کچھ ہدایت فرمائیے گا کہ کیا ایسا ممکن ہے ریاست مدینہ کی طرز پر قوم کی کردار سازی محترم چونکہ مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے اور آپ نے پروگرام بھی ربیع الاول کے حوالے سے ہی منعقد کیا ہے تو اس کے اندر جو آپ فرما رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کے طرز پہ اگر ہم اپنے معاشرے کو لائیں تو کیسے لائیں تو سب سے اہم بات جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انتقال کے کچھ دن پہلے ایک نصیحت اور ایک وصیت کی تھی وہ میں آپ کے توسط سے پوری قوم کے سامنے رکھ دیتا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موتا امام مالک کی حدیث ہے ترکتو فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنتی لوگوں میں تم تک دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لن تذلوا تم ہرگز گمراہ نہ ہونے پاؤ گے ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنتی جب تک تم چمٹے رہو گے قرآن سے اور حدیث سے
ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत और नसीहत रियासत मदीना के दावेदारों से भी है, जो रियासत मदीना के क्याम की बात करते हैं उनसे भी है, और जो लोग इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले मुस्लिम हुक्मरान और मुस्लिम आवाम, सबसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहत है कि अल्लाह का कुरान और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इन दो चीजों को कभी ना छोड़ना वरना तुम गुमराह हो जाओगे। अगर हम चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर अमन अखुवत भाईचारगी इस्लामी निजाम इस्लामी कवानीन कायम हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को कुरान को और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को इस मुल्क के अंदर आम कर दिया जाए, जिसका नतीजा ये निकलेगा इंशाअल्लाह रहमान कि हर तरफ आप अमन की फिजा देखेंगे, हर तरफ आप मोहब्बत उल्फत अखुवत देखेंगे। ये जो आज कत्लो गारत गरी और मार धाड़ और एक दूसरे पे कुफर और शिर्क और मुशरिक के जो फतवे लगते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम कुरान और हदीस से दूरी का नतीजा है कि हम आपस में अंदर दस्तो गिरेबान हो गए, एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाकर बम ब्लास्ट करना शुरू हो गए, मुल्क पाकिस्तान का अमन बर्बाद हो गया। फिर भी मैं इस हुकूमत को खराज तहसीन देता हूँ, इस मुल्क के इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इन तमाम लिसानियत पर मजहबी तासुबात के ऊपर बेहतरीन तरीके से काम करते हुए इनके ऊपर काबू पा लिया। वगरना पिछले अदवार में अगर हम उठा के देखें तो यही मुल्क था और इसके अंदर जनाब आली एक ने दूसरे को काफिर कहा और जैकेट फाड़ दी, एक ने दूसरे की मस्जिद पे धमाका किया, एक ने दूसरे की काफिरों के लिए सबसे आसान तरीका यही है कहीं इंतशार फैलाने का। इतने तो हम मेरे ख्याल में समझदार हैं हम लोग। अच्छा सर, अब इसी हवाले से बहुत मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मैं आपसे भी और फिर अलामा साहब से भी यही सवाल होगा, इस पर हम वाइंड अप करेंगे। इस्लामोफोबिया, पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ एक जंग जारी है, इस्लाम के तशख्खुस को पामाल करने की एक जंग जारी है, एक इज्तिमाई कोशिश की जा रही है किसी तरह से इस्लाम को तबाह किया जा सके, बर्बाद किया जा सके, नाउज़ बिल्ला बुरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक पूरी एक मोहनजोई की जा रही है। इस्लामोफोबिया से लड़ने का, उससे बचने का, उसको ख़त्म करने का, इस्लाम के तशख्खुस को पूरी दुनिया में बहाल करने का, जो इस जो ये हकदार है इस्लाम जिस तशख्खुस का, उस पे सर क्या किया जा सकता है, उस हवाले से कोई रहनुमाई फरमाइए। देखें, मेरे नबी अली सलातु वस्सलाम जो दावत लेकर आए थे वो प्यार मोहब्बत अखुवत और भाईचारगी की थी, ठीक है जनाब। अब मामला ये हुआ जो मैंने हदीस बयान की कि कुरान और हदीस को छोड़ दोगे गुमराह हो जाओगे, हमने कुरान और हदीस से दूर हुए, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि अल्लाह उसके रसूल की अतात करो, आपस में मोहब्बत करो, वला तनाजाऊ आपस में तनाजात को मत पैदा करना, अगर करोगे तो क्या होगा, फतफशलु तुम्हारी हवाएं उखड़ जाएंगी, तुम कमजोर हो जाओगे, दुश्मन से लड़ने के काबिल नहीं रहोगे, अपने मुल्क में अमन मोहब्बत अखुवत कायम करने के काबिल नहीं रहोगे। आज हम आपसी इंतशार की वजह से बड़ी माजरत के साथ जनाब आज हम दावेदार हैं मुसलमान होने के, लेकिन मुसलमानों के अंदर जो हमने ग्रोहबंदी कर दी, मसलक परस्ती कर दी, हम कुरान और हदीस की तालीमात से हट गए। रब रहमान ने कहा था वला तफर्रकू आपस में फिरकावारियत मत करना, एक कुरान और हदीस के परचम तले जमा हो जाना, हम उससे हटे तो हम जनाब दुनिया में जलील ख्वार हो गए, दुनिया के नजदीक आज इस्लाम एक दहशतगर्द मजहब हो गया। हालांकि अल्लाह जानता है ये इस्लाम अमन का अखुवत का भाईचारगी का पैगाम लेकर आया है, मेरे नबी की यही दावत है, कुरान की यही दावत है, लोगों में प्यार मोहब्बत अखुवत इसको तकसीम कीजिए, और यही हमारी भी दावत है कि इस मुल्क के अंदर अमन को कायम कीजिए, मुसलमान को मुसलमान समझें, भाई को भाई समझें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात जी। अलामा तलाल रिज़वी साहब, सर आप क्या राय रखते हैं इस्लामोफोबिया के हवाले से, दुनिया में जो एक बरपा हो चुका है एक नया इंतशार इस्लाम के हवाले से खास तौर पे? आसिफ साहब, सबसे पहले तो मैं इस बात की दुरुस्ती करता चलूं कि 50 हवाले मेरे पास मौजूद हैं अहले सुन्नत किताबों के, कि जिसमें सरकार ने अपने आखिरी वक्त में जो हदीस इरशाद फरमाई वो है इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तकलैन किताब अल्लाही व इतरती अहले बैती, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरां कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताब खुदा दूसरे मेरी तरफ में रहले बैत, इन दोनों से खबरदार जुदा न होना, ये इन दोनों को अपने दामन को मजबूती से थामे रहना, ये दोनों आपस में कभी जुदा नहीं होंगे इल्ला कि ये मुझसे हौज़े कौसर पे आकर मुलाकात करें, ठीक है। अच्छा, ये इस बात की दुरुस्ती हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि जहां पर इस्लामोफोबिया का ताल्लुक है, इस्लामोफोबिया इसलिए आ रहा है कि इस्लाम में दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं उन्हें खुलेआम छोड़ा हुआ है, उनके खिलाफ कोई साजिशें नहीं की जा रही। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन हो
चाहे आशूरे का दिन हो, चाहे चेलम का दिन हो, चाहे किस रमजान का जुलूस हो, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। मेरे भाई मुफ्ती जुबैर साहब को भी बहुत अच्छी तरह से याद होगा। एक सड़क पर अहले सुन्नत का ताजिया गुजरता था, दूसरी सड़क पर शियों का जुलूस होता था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, सब आपस में भाई। तो दीन इस्लाम का पैगाम है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो लोग जिन्होंने इस्लामोफोबिया फैलाया, इस्लाम के माथे पर दहशतगर्दी के कलंक का टीका लगाया, उन्हें आजाद छोड़ा हुआ है, वो खुले सांड की तरह मुल्क में अनार्की फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिए, आज उनकी औलादें पाकिस्तान की सरकर्दा बनी हुई है, जिनके बाप अप्पा का, जिनके दादा का ये कहना था कि अच्छा हुआ मैं पाकिस्तान बनने के गुनाह में शामिल नहीं हुआ, वो आज पाकिस्तान के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। जो फातिमा जिन्ना के कत्ल में शामिल हुए, वो आज पाकिस्तान के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। वो तमाम लोग, जब तक हम अपने कायदीन और अपने मुल्क के बानियान को ये हक नहीं दिलवा सकेंगे, कहां से इस्लाम पर अमल करेंगे? हम कौन से इस्लाम पर अमल कर रहे हैं? देखिए, इस्लाम आदमियों को इंसान बनाने के लिए आया है, और ये एक तरतीब है। आदम अलैहिस्सलाम की जितनी औलाद है वो आदमी है, लेकिन हर आदमी इंसान नहीं है। इसलिए कहा ना कि आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना, हर आदमी इंसान नहीं है। जो अच्छा आदमी होगा वो इंसान बनेगा, जो अच्छा इंसान होगा वो मुसलमान कहलाएगा। इंसानियत का होना जरूरी है, यकीनी तौर। अच्छा मोमिन होगा वो मुत्तकी बनेगा, बेशक बेशक। तो कहीं अगर आप इस्लाम के मदारिज को तय करेंगे, इस्लाम ने जो सबसे बुनियादी उसूल हमें दिया, एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस, जी आज हमारे अंदर पेशेंस नहीं है हमारे अंदर। ना हम दीगर मजाहिब को कबूल करते हैं, ना हम दीगर मसालिक को कबूल करते हैं, और मसलकी को तो उठा के एक तरफ रख दीजिए, घर में भाई भाई को कबूल करने को तैयार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपस में हमारे यहाँ इतना इखलाकी फुकदान है, जो सबसे इस्लाम जो सबसे पहले इंसान को, मुसलमान को इखलाकियात बुलंद करने का, इखलाक तो सबसे पहला पैगाम है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जात। जी 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 सर, मुझे यहाँ वाइंड अप करना होगा। अलामा साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, माजरत, हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। बहुत खूबसूरत एक नशिस्त रही आप दोनों मजहबी स्कॉलर्स के साथ, और यकीन इंशाल्लाह हमें भी कि पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी इस्लाम का तशख्स इसी तरह से बरकरार रहेगा, और जो असली तशख्स हमें मिलना है, जो इस्लाम डिज़र्व करता है, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इस्लाम को वो तशख्स पूरी दुनिया में हम देकर रहेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के वापस आने के बाद बात करेंगे कुछ अदलो इंसाफ के हवाले से, लेकिन इस वक्त की अदलिया के हवाले से एक इंटरनेशनल रिपोर्ट शाया हुई है, उसमें देखते हैं पाकिस्तान का क्या नंबर है। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, लौट कर वापस आ चुके हैं, और बात करेंगे कुछ अदल व इंसाफ के हवाले से, कानून की बालादस्ती के हवाले से। और इंतहाई अफसोस के साथ ये खबर, ऑफकोर्स इस पर बात करने का आज इत्तफाक हो रहा है कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के मामले में जो पाकिस्तान है वो बदतरीन ममालिक में उसको शामिल किया गया है। ये रिपोर्ट है जी इंटरनेशनल, जो कि एनुअली रिलीज़ की जाती है, और ये रिपोर्ट वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की तरफ से रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसको कह लीजिए आप, उसका एक इंडेक्स शाया किया जाता है जिसमें किस मुल्क के क्या स्कोरिंग रेट है। पहले स्कोर आपको बता देता हूं जी, ये 0 से 1 तक का स्कोर इसके अंदर तमाम ममालिक की तरफ से शामिल किया जाता है। तकरीबन 139 कंट्रीज इसमें शामिल होती हैं, जिसमें पाकिस्तान का 130th नंबर है। हम सिर्फ 9 दर्जे हमसे कुछ ममालिक हैं जो नीचे हैं, और जो हमारा स्कोर है वो है 0.39। अगर 1 होता तो बहुत अच्छा होता, 0.39 हमें जो इस वक्त जहां पर रेट किया गया। अफसोस की बात और इसलिए भी है कि पूरे शुमाली ये पूरे एशिया के अंदर खास तौर पे, और जितने भी हमारे आसपास के ममालिक हैं, उन तमाम ममालिक में बशमूल श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, तमाम ममालिक से भी हमारा जो रेशो है, जो रेट है, वो कदरे कम है। और ये बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर इस्लाम की बालादस्ती है, जहाँ पे रियासत मदीना के दावेदार हैं, जहाँ रियासत मदीना की बातें की जाती हैं, हम ख़ुद को बहुत कोशिश करते हैं कि सबसे बेहतर जाहिर करें इस सूरत में कि हम जी इंसाफ मुहैया करेंगे, हम इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। और यकीनी तौर पे आज
क्योंकि एक बहुत मुबारक दिन भी है इस हवाले से, भी पिछले सेगमेंट में भी हम बात कर रहे थे, तो अदल व इंसाफ के हवाले से आज बात करना मेरे ख्याल में बहुत नागुजीर भी था और एक बहुत अच्छा वक्त है आज बात की जा सके कि रियासत मदीना में क्या इस तरह का इंसाफ हुआ करता था, क्या उस वक्त भी रियासत मदीना की जो रेटिंग अगर निकाली जाती तो वो बाकी जितने भी खत्ते थे उस वक्त उसमें हम इतने निचले दर्जे पर आते, यकीनी तौर पर यह कहना मुनासिब नहीं होगा। तो पाकिस्तान में अदल व इंसाफ की ये सूरत हाल क्यों है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं पहले बता दूं अपने मौजूद मेहमान की तरफ बढ़ने से पहले कि वो क्या वजूहात हैं, वजूहात बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किन वजूहात के बिना पर हमारा जो स्कोर है वो बहुत निचले दर्जे पर रहा, जिसमें करप्शन नंबर वन, बुनियादी हकूक की मुहैया ना होना, अमन आमा खास तौर पर, और सलामती, अमन आमा और सलामती जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में, खास तौर पर निजरा, और खास इसके अलावा जो जाब्तों का अदम निफाज, जितने भी निगरान जाब्ते हैं उसका अदम निफाज, ये वो खास तौर पे वजूहात जो हैं वो चीदा चीदा वजूहात बताई गई हैं हमारा स्कोर कम होने की, और ख़ास जो हकूक़ की बात की जाती है वो तो सर फहरिस्त रहेगी। मुझे हमारे साथ सब मौजूद हैं यासीन आज़ाद साहब, उनसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, माहिर कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट बाट के सदर भी रह चुके हैं साबिक, उनसे मैं बात करूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासीन साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, सर आज बहुत ज़रूरी था आपसे बात करना, आप एक बहुत बड़ा नाम है ख़ास तौर पर जब हम बात करें कानून की पाकिस्तान में, पूरी ज़िंदगी आपने इस पूरे निज़ाम के साथ गुजार दी, लेकिन ये जो इंटरनेशनल कुछ उसूल कह लीजिए या जो उनके कवायद जवाबित हैं जिस तरह से वो कानून को देखते हैं उस हिसाब से पाकिस्तान का नंबर बहुत सर आज 130th नंबर 139 ममालिक में, कैसे देखते हैं सर इसको, क्या वजूहात आपके ख्याल में हो सकती हैं? सर सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 72-73 साल बने हुए पाकिस्तान को हो गए जी, पर इस मुल्क की बदकिस्मती यह है कि हमारी सिस्टम की खराबी और दूसरा हमारा अदालती निज़ाम की बिगाड़ जो थी वह मेरे नज़दीक 1954 में हो गई थी जब सिंध असम्बली को तोड़ा गया। ठीक है। और सिंध असम्बली को तोड़ने के बाद जब से सिंध हाई कोर्ट ने इसको बहाल किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्टर को सेटिसफाइड कर दिया और ये बिगाड़ वहाँ से स्टार्ट हो गया। राइट। मैंने सिस्टम की खराबी की बात इसलिए की कि इन 72-73 सालों में 40 साल अगर डिक्टेटर ने हुकूमत की और 30 साल या अगर 32 साल जो है ना सिविलियन हुकूमत आई तो बदकिस्मती से सिविलियन को तो हुकूमत दी गई कि कहीं इकतदार हमेशा उन्हीं लोगों के पास रहा जो ताकतवर लोग कहलाते हैं। अच्छा अच्छा। अब जाहिर है कि जब सिस्टम की खराबी होगी अदालती निज़ाम को बेहतर अंदाज में ले जाने के लिए आप ये देख रहे हैं कि इस 72-73 साल में 3 दफ़ा हमारे आइन को तब्दील किया गया और 73 का आइन बनने के बाद 1973 से लेकर आज 2021 है, आप देख लें कि आइन की पासदारी हम किस अंदाज में करते हैं, आइनी जो रिक्वायरमेंट है हम कुछ किस अंदाज में पूरा करते हैं, गवर्नमेंट की जो रिट है वो क्या अपनी जगह पर सही है, और अदलिया वकील फुलकन जब भी इस मुल्क में मार्शल्ला आया हमारी अदलिया ने उसको कानूनी तहफ़ दिया, और बिलाखर पता नहीं आपके प्रोग्राम से ये बात सही होगी या नहीं, जब आर्मी चीफ की एज का मामला आया तो आपने देखा होगा कि 3 दिन तक मुसलसल सुप्रीम कोर्ट ये कहता रहा कानून और आयन इजाजत नहीं देता, हम कौन से कानून और आयन के मुताबिक आपको एक्सटेंशन दें। ठीक है। लेकिन बाद में एक दफा फिर नजरिया जरूरत का जन्म दिया गया और आपने 6 महीने का टाइम जो दिया मेरे नजदीक वो आश्रिया के एक कमजोरी की निशानदेही करता है, बाद अदलिया पे आके खत्म नहीं हो जाती, इसके बाद हमारा कानून साज इदारे बचते हैं तो कानून साज इदारों की ये जिम्मेदारी थी कि वो उस मामले को देखें, लेकिन मैं हैरान हो गया उस दिन इस दिन मैंने ये बात देखी कि बजाय इसके हमारे यहाँ अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसके 72-73 वोट लेता है जी। लेकिन एक्सटेंशन के मामले में आप 342 के होश में आप 341 वोट देते हैं, इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर हर आदमी हर जमात पॉलिटिकली जो है ना उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से वो हालात को फेस नहीं कर पाते। ठीक है। अब रह गया अदलिया के निज़ाम के हवाले से, निज़ाम के हवाले से बात कीजिए, चूंकि सिस्टम को मैंने शुरू में अपने जुमला बोला हमारे यहाँ सिस्टम की खराबी की वजह से अब ये देख लें कि लिटिगेशन इतनी बढ़ गई पाकिस्तान में जिसका कोई अंदाजा नहीं है और उसके हिसाब से आगे डिस्पोजल देंगे। दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये देखा होगा कि गवर्नमेंट की रिट नहीं,
क्राइम उसी अंदाज से बढ़ते हैं, ठीक है, और अदलिया बख्तन फोजतन जो फैसले करती भी है वो वीक एविडेंस की वजह से जो सख्त किस्म के क्राइम है उसमें अगर इक्विटल होती है तो खुद हमारी हुकूमत ये चीखना शुरू कर देती है कि अदलिया इंसाफ नहीं कर रही, ठीक है, अदलिया तो कानून और आयन के मुताबिक फैसला करेंगे, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो तरीका कार है इन्वेस्टिगेशन का उसको प्रॉपर वे में अडॉप्ट करें, ठीक है। अब इस मुल्क में आप देखें कि कानून को आप बार बार बदली करते हैं, आप कहते हैं कि कानून में खराबी है, मैं कहता हूं कि कानून के अंदर खराबी नहीं है, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने वालों की जो जिम्मेदारी है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे प्रॉपर वे में। अब आइन का आप देख लें कि हमारी आइनी रिक्वायरमेंट क्या है और उस आइन के मुताबिक हमारा सिस्टम कैसा चलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मैं इस रिपोर्ट के हवाले से चूंकि डिटेल रिपोर्ट तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारी बहुत सारी कमजोरियां हैं और अदालती निजाम पर सवालिया निशान है, पार्लियामेंट पे भी सवालिया निशान है कि जब कानून साज अदारे और अदलिया अगर लोगों को प्रॉपर वे में और वक्त पर इंसाफ काम नहीं करेंगे तो लोगों को तजिया करने का मौका दिया जाएगा और लोग कहेंगे कैसा हुआ। सर आप ये बात कीजिए कि केसेस में तातुल जो एक एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ कि आप जनरेशंस भी इंतज़ार करती हैं किसी किसी केस का फैसला तो तब तक भी नहीं हो पाता, कुछ तो हाई प्रोफाइल केसेस भी ऐसे हैं माजी में जिनके बड़ा टाइम लगा उनको सॉल्व होने में। सर ये तातुल का शिकार क्यों होते हैं केसेस, इसकी कुछ मेन वजूहत ऐसी हैं जो आप बताना पसंद करें? तातुल की जहाँ तक जिम्मेदारी का तल्लक है, मिसाल के तौर पर मैं सिंध हाई कोर्ट के हवाले से बात करता हूँ, बाकी चार पांचों हाई कोर्ट के हवाले से बात करता हूँ। आप जजेस की तादाद को देखें, ठीक है, सिंध हाई कोर्ट में आज बड़ी मुश्किल से जजेस की तादाद जो है तादाद 40 होनी चाहिए जी, लेकिन कम अज कम 34 या 35 जज साहिबान काम कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बड़ी आबादी के लिए हाई कोर्ट के जज साहिबान 40 जो है मेरे नजदीक 9 होने के बराबर है, ठीक हो गया। इस वक्त तक सिंध हाई कोर्ट में मेरे ख्याल में 6 लाख से ज्यादा मुकदमा जो है वो पेंडिंग है। अब एवरी डे अगर एक जज के सामने 100 के हिसाब लगा देते हैं तो वो अगर केस चलते भी है तो 2 केस कर चलेंगे, 3 चलेंगे, बाकी 97 तो अपने नंबर तक पहुंचेंगे ही नहीं। ऐसी सूरत हाल में होना ही चाहिए था कि वक्तन फ़क्तन जो भी हमारी हुकूमत आई उनकी ये जिम्मेदारी बहन बननी चाहिए थी कि अदलिया के सिस्टम को बेहतर करने के लिए बड़े बड़े जुडिशियल कम्प्लेक्स बनाते, अध्यक्ष साहिबान की तादाद को बढ़ाते, जिस हिसाब से लिटिगेशन इंक्रीज होती है उसी हिसाब से जजेस को अपॉइंट करते तो शायद जो आज सूरत हाल हमारे सामने आ रही है वो नहीं आती। और ये बात भी अपनी जगह एक हकीकत है कि ऐसी सूरत हाल में जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, वक्त पे इंसाफ नहीं मिलेगा तो लामाला उनको ये कहना है, मैं बात भी जाना है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं। सपोज एक आदमी मर्डर केस के अंदर इन्वॉल्व है, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गई, ठीक है, या डेथ सेंटेंस हो गई, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले का केस अगर 10 या 12 साल नहीं चलेगा पर 12 साल के बाद जाके इक्विट करेंगे और वो आदमी अगर बरी हो जाता है तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि जो 12 साल उसने जेल के अंदर निकाले हैं वो कहाँ जाएंगे, किसके अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सोचने की हैं। सर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और मुझे लग रहा है कि आप जैसी शख्सियत ही इसका जवाब प्रॉपर मेरे ख्याल में दे भी सकेंगे। सर बड़े ऑनेस्टली मेरा एक आपसे सवाल है, गो कि मैं नाचीज़ खाकसार इस इतनी काबिलियत नहीं रखता ये सवाल पूछूं, लेकिन फिर भी अगर आप बेहतर समझें, सर आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में जो अदलिया है क्या वो खुद मुख्तार है, या जो बासर शख्सियात हैं क्या अदलिया को मजबूर करते हैं, या कभी कभी तो ऐसा होता होगा, मैं सिर्फ कोई पोलिटिकल केसेस की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल हाई प्रोफाइल केसेस की बात कर रहा हूँ जिसमें शायद कोई शख्सियत बहुत कोई वडेरा है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, क्या वो भी कोर्ट को अपनी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है? अगर ऐसा होता भी है तो क्या हमारा जो निज़ाम है कानून का वो उनके सामने झुक जाता है, उनके सामने वो इतना स्ट्रांग रह पाता है, या आपको लगता है कि कमज़ोर पड़ जाता है? देखें इस सिलसिले में मैं 2 जज साहिबान का हवाला देना पसंद करूंगा जी, कि शौकत सिद्दीकी साहब ने जब बार से एड्रेस किया जी और जो कुछ उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, अपनी माँ की कसम उठा के कहा और जिन लोगों पे इल्जाम लगाए गए, क्या किसी भी इदारे ने शौकत सिद्दीकी साहब की स्पीच के बाद किसी किस्म की कोई इंक्वायरी की? ठीक है, पर अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, जबकि उनके इल्जाम जो थे अगर वो साबित हो जाते गलत हैं उनको सजा मिलनी चाहिए थी, और अगर ये साबित कर देते कि जो कुछ उन्होंने कहा वो हकीकत पर मबनी है
तो फिर आप क्या करते हैं? इसी तरह से जब जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल केसेस हैं, मसलन पनामा केस था, आपने एक आदमी के खिलाफ सारी प्रोसीडिंग की, बाकी पनामा में 440 आदमियों में से 339 के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की, ठीक है, एक आदमी के खिलाफ आपने कार्रवाई कर ली। इसी तरह से जो केसेस का फैसला हुआ, जिस तरह मैं पार्टी का नाम तो नहीं लेता लेकिन नवाज शरीफ के मुतालिक जो केसेस आपने डिसाइड किए, आज उनके मुतालिक जो एलिगेशन है, क्या एक एजेंसी का जो कर्नल बाकायदा कोर्ट में आया और वो जा रहा था, रात से मीडिया वाले ने रोका कि आप क्यों आए थे, तो जवाब देने के बजाय भाग रहा था, तो ये वो तमाम बातें हैं। जब ये तमाम बातें हमारे सामने जेल में आई या सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में ये चीजें आई, तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए था कि मामला को इंक्वायरी होल्ड करते, ठीक है, ये देखने के लिए कि क्या इसमें हकीकत है कि नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन ये बात एक हकीकत है कि जो पॉलिटिकल केसेस आते हैं या जिसमें हमारे बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ मैं ये बात बिलाखौफ कहता हूँ कि शायद हम साफ करने में हम काफी कमजोरी दिखाते हैं जो हमें नहीं दिखानी चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर पूरे इस 72 साल के दौर में जब कभी भी मार्शल्ला आया, अगली अगर किसी भी मार्शल्ला को गैर कानूनी प्ले कर देती तो शायद ताकत के बल बोते थे बार बार लोग इकतदार में नहीं आते, लेकिन कभी भी अनवल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं किया और आपने कानूनी ताकत काम किया किन लोगों को कि भाई जो हो गया सो हो गया, ठीक है, लेकिन उनके खिलाफ ऐसा देना आपने मुनासिब नहीं समझा। आपको याद होगा कि जब पीसीओ के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को वोट लेने के लिए कहा गया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के 6 जज साहबान ऐसे थे जिन्होंने पीसीओ के तहत वोट लेने से इनकार किया और वह अपने अपने घरों में आ गए, तो क्या वो प्रेशर नहीं था तो क्या था? ठीक हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आदमी आइन के मुताबिक एक दफा वोट ले ले, चाहे वो अदलिया के जज साहबान हो या फौज पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला कोई आदमी हो या हुकूमत का कोई आदमी, कोई भी वजीर आजम ओहदे पर किसी भी फाइज हो जाए, जब वो ओथ ले लें तो उस ओथ की पासदारी करें। अगर पासदारी नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप आइन को कमजोर कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम के हवाले से जो मेन चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे नजदीक हमारे तमाम इदारे तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और तबाही बर्बादी की जिम्मेदारी लोगों पे आई होती है। इदारों को मजबूत करने के लिए हम कोई स्टेप उठा नहीं दे बल्कि इदारों को कमजोर करने के लिए हम जो है ना काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। सर, मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अवाम को, मुझे नहीं लगता, मैं अगर जाती नौयत पे अपनी बात करूं तो अवाम को जिस तरह से एक ट्रस्ट होना चाहिए अदलिया के निज़ाम पर, पाकिस्तान में अवाम को वो ट्रस्ट नहीं है। इंतहाई माजरत के साथ मैं हक सच की बात करने की कोशिश कर रहा हूं, यकीनी तौर पे आप भी सपोर्ट करेंगे। सर, इस तरह से अवाम में ऑफकोर्स इंतशार फैलता रहेगा जब तक ट्रस्ट डिवेलप नहीं हो पाएगा, वो कौन सी ऐसी रीजन्स हैं और कौन से ऐसे आपके ख्याल में सोल्यूशन हो सकती है फौरन ऑन टाइम सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, कोई ऐसा सोल्यूशन जिससे अवाम का ट्रस्ट बढ़ेगा अदलिया के ऊपर, तो कुछ ऐसा प्लीज अगर आप कुछ इस बारे में फरमाना चाहें। देखें, अवाम पर जो है ना अदलिया से जो ट्रस्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, जाहिर है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को वक्तन फक्तन जो है इंसाफ के लिए अदालतों में जाते हैं, बिल्कुल सर, अगर उनको वक्त पे इंसाफ मिले, जल्द से जल्द केसों का फैसला हो, तो शायद हमारे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ये कहना शुरू कर दें कि हमारी अदलिया राइट डायरेक्शन में जा रही है, वक्त पर इंसाफ, ठीक हो जी। हेलो जी, जी जी सुन रहा हूँ मैं सर। हाँ जी, तो राइट डायरेक्शन में काम कर रही है। इसका तरीकाकार यही होना चाहिए जिस तरह मैंने कहा कि अगर आपने अदलिया के निजाम को बेहतर करना है तो आप जो है ना जज साहिबान की तादाद को बढ़ाएं, जितनी लिटिगेशन है उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट करें, कम्प्लेक्स बनाएं, जुडिशियल कम्प्लेक्स बनाएं, जज साहिबान को मौजूदा दौर के मुताबिक तमाम सहूलतें फराहम करें, ठीक हो गया, ताकि वो लोगों के साथ इंसाफ करें। जब तक आप जज साहिबान की तादाद को नहीं बढ़ाएंगे, केसेस के हिसाब से जज साहिबान की अपॉइंटमेंट नहीं होगी, अदलिया का निजाम किसी भी सूरत में बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। लिटिगेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसी वजह से पाकिस्तान के लोग जब 15-20 साल तक अदालतों के चक्कर लगाएंगे तो वो यही कहेंगे कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। ठीक है, सपोज मैं एक दफा फिर आपके प्रोग्राम के हवाले से कहता हूँ कि क्रिमिनल केसेस में 10-10, 15-15 साल के बाद नंबर आए और उसके बाद वो उस आदमी को जब बरी करते हैं, उस आदमी पे क्या गुजरती है जिंदगी का, बिल्कुल, वो जेल में गुजार लेता है।
उन चीजों को मीट करने के लिए आपको अपने सिस्टम को सही करना होगा, आपके घर में रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको दूर करनी होगी और देश साहिबान की तादाद को बढ़ाना होगा, ठीक हो गया, ताकि बेहतर अंदाज से लोगों को इंसाफ मिले। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारी कोशिश थी, हमें बैरिस्टर कमरान बुज़ा साहब भी ज्वाइन करते, सेनेटर भी हैं जीएफ की तरफ से, लेकिन अब शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो शामिल नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया आपका यासीन साहब। नाज़रीन, इंसाफ इज़ द वेरी की पिलर ऑफ एनी नेशन, एनी कंट्री, एनी स्टेट। इंसाफ के बिना जो इमारत है वो गिर जाती है, और इंसाफ के ऊपर ही हमारा फोकस होना चाहिए। आई होप के मेरे जितने भी मोतबर सुन रहे हैं शख्सियात, खासतौर पर जो इस ओहदे पर फाइज हैं, जिनको अवाम ने ट्रस्ट किया, इस ओहदे पर लेकर आए, कि वो इंसाफ के ऊपर एक फोकियत देंगे, और रियासत मदीना के दावेदार भी इंसाफ के ऊपर कोई बात नहीं आने देंगे और आवाम को इंसाफ मिलेगा। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात। आसिफ मलिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमान अल्लाह।